सीरत गिरी अंगद की बाहों में। मनदीप को ये बात नहीं आई बिल्कुल पसंद। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। सीरियल तेरी मेरी डोरिया में देख रहे हैं आप कि सीरत और गैरी की शादी हो गई है और दोनों का आज गृह प्रवेश है। यहाँ बहुत सारी रस्में होती हैं और रस्में होने के बाद जैसे ही दोनों घर में प्रवेश करते हैं, गैरी सीरत को छोड़कर सीधे अंदर चला जाता है और सीरत ये बात देखती ही रह जाती है। सभी ये बात नोटिस करते हैं कि आखिर गैरी ऐसा क्यों कर रहा है और अचानक से सीरत का पैर फिसलता है और अंगद उसे संभालता है। यहाँ आप देखेंगे जैसे ही सीरत अंगद की बाहों में गिरती है, यहाँ ये बात ना ही साहिबा को पसंद आती है और ना ही मनदीप को। मनदीप यानी अंगद की माँ को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो देखती है और गुस्से से लाल पीली हो जाती हैं। साहिबा को भी बहुत ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन अचानक से अंगद सारी सिचुएशन संभालता है और गैरी पर चिल्लाता है कि तुम्हें उसके साथ चलना है, सीरत के साथ। तुम दोनों की शादी हुई है, तुम दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत है, ऐसे में ना आगे ना पीछे, उसके साथ बराबर से चलना है। और गैरी फिर वापस लौट के आता है। यहाँ वो सीरत को कहता है तुम ठीक होना और साहिबा को कहता है इसे गैरी के रूम में छोड़ दो। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कई सारी रस्में करने के लिए जसलीन मना करेगी, लेकिन अंगद कहेगा शादी एक ही बार होती है, सारी रस्में होनी चाहिए। एंड फाइनली सीरत को गैरी के कमरे में पहुंचा दिया जाता है, लेकिन आप देखेंगे गैरी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। वो रात में सीरत को छोड़कर चला जाएगा अपनी गर्लफ्रेंड के पास। यहाँ सीरत जब उससे जाते समय सवाल पूछती है तो गैरी टोन मारता है कि तुम तो बीवे जैसे बर्ताव करने लगी हो। साथ ही गैरी कहता है पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है तो मैं इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है, और सीरत को छोड़कर चला जाता है।